हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट ऑफ योर चैप्टर 8। बुक है आपकी कंपोजिटिव मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इससे पहले देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 30 डेज मंथ टू 31 डेज मंथ इन अ ईयर। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहे हैं आपसे कि 30 डेज जिन मंथ्स में होते हैं वो उतने वो मंथ, और 31 डेज जिन जिन मंथ्स में होते हैं वो मंथ्स, उनका रेशियो क्या है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहां पर देखिए, अपने स्टार्ट करते हैं डेज के काउंट में। तो डेज के काउंट में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आता है जनवरी 31, उसके बाद फरवरी में होते हैं 28, मार्च में होते हैं 31, उसके बाद देखिए अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब देखिए, इसमें तो फरवरी में तो 28 या फिर 29, ठीक है, फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं और लीप ईयर के अंदर आपके कितने होते हैं, 29 होते हैं। ठीक है, तो इसे तो हम कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है। ठीक है, अब इसको अपने काउंट करते हैं कि कौन से जो है आपके ज्यादा हैं। तो यहां पर देखिए 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आपको 31 का रेशियो बाद में लिखना है, तो मैं लिख देता हूं 7। उसके बाद देखिए 30 को काउंट करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर देखिए 4 मंथ्स ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं और 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जो कितने होते हैं, 31 डेज के होते हैं। तो योर आंसर इज 4:7 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ 1/8 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। तो क्या है, 1/8 रेशियो 1/9 रेशियो 1/3, इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। सो फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं, देखिए 3, 9 एंड 8। सबसे पहले 2 से करते हैं, देखिए ना 3 जाएगा ना 9 जाएगा, तो 3, 9 और 8 आपका जाएगा 4 टाइम्स। अगेन 2 से, तो 3, 9 एंड 2, अगेन 2 से करेंगे 3, 9 एंड 1, और फिर फाइनल देखिए 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहां पर देखिए आपके पास जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 एंड 24 × 3 आपके पास होता है 72। तो यहां पर जो एलसीएम है वो आपके पास क्या है, 72। नाउ टू कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हमें क्या करना पड़ता है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय एलसीएम विच इज 72। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 72 × 1/8 रेशियो 72 × 1/9 रेशियो 72 × 1/3। 8 से देखिए, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 3 2 जा 6, पीछे से बचा 1 और पीछे से आया 2, 12, तो 4 जा आपके क्या होता है 24।
और अगर आप रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो इज 9:8:24 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, उस एलसीएम को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो से। जब आप रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच रेशियो इज स्मॉलर, 7:10 और 2:5। देखिए जब भी दो रेशियो हो उन्हें करने के लिए आपके पास इजिएस्ट तरीका जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो क्या है, विच रेशियो इज स्मॉलर पूछा है या ग्रेटर, वो आपसे पूछा है विच रेशियो इज स्मॉलर, विच रेशियो इज स्मॉलर। तो यहां पर देखिए एक रेशियो आपके पास 7:10 एंड सेकेंड आपके पास है 2:5। ठीक है, अब रेशियो जो होता है 2:5 इसको हम 2:5 भी लिख सकते हैं। तो इसको देखिए करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 5 और यहां पर करेंगे 2 × 10। तो 7 × 5 होता है 35 और 2 × 10 होता है आपके पास 20। तो ये आपके पास क्या आ रही है, ग्रेटेस्ट आ रही है। सो इट मींस द स्मॉलर रेशियो इज स्मॉलर रेशियो इज 2:5। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ एक्स रेशियो 5 इज इक्वल टू 18:30 देन एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स रेशियो 5 इज इक्वल टू 18:30 देन आपको फाइंड क्या करनी है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां से इस केस के अंदर हम इसको लिख सकते हैं x/5 और इसको हम लिख सकते हैं 18:30। यहां से देखिए 5 डिवाइड में इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल टू 18:30 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 6 and 6 × 3 = 18। और यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 3। सो 3 इज योर आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। If the cost of 6 sandwiches is 96 rupees, the cost of 10, ठीक है, क्या है आपके पास, cost of 6 sandwiches is rupees 96, then cost of 1 will be 96/6, and इसको डिवाइड करते हैं, 6 × 6 = 6, 3 बचा ऊपर से 36 एंड 6 जो क्या हो गया आपके पास 16। तो यहां पर देखिए 1 जो सैंडविच है उसकी कॉस्ट कितनी है, 16 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ 10 सैंडविचेस इज 16 × 10 इज इक्वल टू रुपीज 160 इज योर आंसर। ठीक है, अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल करना चाहें तो यहां पर आपका पहले का आंसर आ जाएगा 4:7, सेकेंड का रेशियो आपके पास आ जाएगा यहां पर 9:8:24 विच इज स्मॉलर, 2:5 इज स्मॉलर, एक्स की वैल्यू यहां पर 3 और यहां पर रुपीज 160 इज योर आंसर। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन किए हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, द रेशियो 4:5 इज ग्रेटर देन 3:4। देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 एंड 3/4 को, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 और यहां पर 3 × 5, 4 × 4 होता है आपके पास 16, 3 × 5 होता है 15, इट मीन्स दिस रेशियो इज ग्रेटर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू, फर्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड की बात करते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो 380/570, 0 से 0 कैंसिल हुई, अगर अपने इसको 19 के टेबल से कट करें
19 टू जे क्या होता है 38 एंड 3 जे क्या होता है 57। तो आपकी इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास क्या आ गई, 2 2 बाई 3 और 2:3। लेकिन यहां पर क्या बता रहा है, 2:19, तो ये आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द रेशियो ऑफ 5 पैसे टू 10 रुपीज। ठीक है, अब देखिए रेशियो तभी काम करेगा जब आप यूनिट सेम रखेंगे। तो यहां पर बोल रहा है 5 पैसे टू 10 रुपीज, सो वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 10 रुपीज इज इक्वल टू 100 × 10, इट मीन्स 1000 पैसे। अब आपको रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ 5:1000, इट मीन्स 5/1000। 5 × 5 एंड 5 × 2 होता है आपका 10, 2 0 की 2 0 एज इट इज आ जाएंगी, तो आपके पास बचा 1/200 और 1:200, और आपके पास यहां पर क्या रेशियो गिवन है, हमारे पास सिमिलर रेशियो गिवन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, सेकंड का जो है फोर्थ पार्ट क्या है, द इफ ए बाय बी इज इक्वल टू 2/3। देखिए लिख लेते हैं, ए बाय बी इज इक्वल टू 2/3 एंड बी बाय सी इज इक्वल टू 6/8 एंड बी बाय सी इज इक्वल टू 6/8। देन सी रेशियो ए इज इक्वल टू 1/4। देख लेते हैं, तो यहां पर देखिए अब मुझे ए रेशियो सी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ए रेशियो सी निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी बाय सी इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/8। बी से बी कैंसिल हो गया, 3 × 3 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4। तो यहां पर देखिए अगर अपने बात करें, ए बाय बी इज इक्वल टू 1/2, सॉरी ए बाय सी, सॉरी ए बाय सी इज इक्वल टू 1/2। देन सी बाय ए क्या हो जाएगा, 2/1, इट मीन्स सी रेशियो ए इज इक्वल टू 2:1, और आपको यहां पर क्या गिवन है, सी रेशियो ए इज इक्वल टू 1:4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए बी एंड सी आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, इफ इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो यहां पर देखिए बीच में क्या है, बी है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ट्रू अगर ये ऐसे होता तो यहां पर हम लिखते ट्रू, अदरवाइज यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 2 भी हो गया। नेक्स्ट अपने करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा रेशियो है जो लार्जेस्ट है। अब इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहां पर डिवाइड। ठीक है, अगर अपने डिवाइड करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा, अदरवाइज इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमें 4 जो है यहां पर नंबर्स को कंपेयर करना है। अगर 2 नंबर्स को कंपेयर करना होता तो हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो 5 में डिवाइड करते हैं 8 का, तो देखिए 0 पॉइंट यहां पर आ जाएगा 0, 6 जा क्या होता है आपके पास 48, माइनस करने पर आया 2, डेसिमल लगा हुआ है 0 एंड 8 × 2 = 16। तो अगर हम 2 डेसिमल प्लेस से निकालेंगे तब भी आपका काम जो है हो जाएगा। तो यहां पर ए आपके पास आ रहा है 0.62। बी की बात करते हैं, देखिए 1 में 4 का डिवाइड करना है 0, डेसिमल लगाने पर 10, 4 × 2 = 8, माइनस करने पर आया 2, 0 लगा दिया डेसिमल के, 5 जा क्या होता है आपके पास 20। तो यहां पर बी देखिए क्या हो गया आपके पास 0.25। सी की बात करें यहां पर 10/33, तो 33 यहां पर डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 100 एंड 33 × 3, देखिए 33 × 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 99, तो 3 जा किया यहां पर आ गया 99,
डेसिमल यहां से देखिए, नंबर एक नीचे लेके आए हम और डेसिमल लगाया तो यहां पर हम लगा देंगे जीरो अगेन थ्री, तो यहां पर देखिए सी में आ जाएगा 0.33। उसके बाद बात करते हैं डी की, तो देखिए 2/3 मतलब 2 में 3 का डिवाइड करना है, 0 लगाया 20, 6 जा देखिए क्या होता है आपके पास 18, माइनस करने पर अगेन 2 आ गया, 0 लगाया 20, अगेन 6 जा क्या होता है आपके पास 20, तो यहां पर फर्दर सॉरी 20 नहीं 6 जा क्या होता है आपके पास 18, अगेन माइनस करेंगे तो सोन ऐसे चलता रहेगा। तो डी यहां पर देखिए अगर अपने देखें तो 0.66। तो अब यहां पर आप देख के क्लियरली देख के बता सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहां पर देखिए 25, 0.25 एंड 0.33, ये तो सबसे लोएस्ट क्या हो गया ये वाला, उससे जो बड़ा है वो 33 हो गया, उससे बड़ा 0.62 एंड लार्जेस्ट जो है आपका क्या है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज 2:3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए 7/9 यानी 7:9 मतलब ए बाय बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है 7/9 एंड बी बाय सी इज इक्वल टू 6/7 देन फाइंड ए बाय सी, ये आपको फाइंड करना है ठीक है। तो फाइंड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाइंग द टर्म्स, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी बाय सी, इट मीन 7/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7, तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, ये बी से बी कैंसिल हो गया, देखिए 3 के टेबल से ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, फाइनली जो आपके पास बचा ए बाय सी इज इक्वल टू 2/3 और ए रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द रेशियो, सबसे पहले तो इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए 2 × 3 6+1 7/2, रेशियो 5 × 2 10+1 11/2, तो यहां पर ये किसका रेशियो है P:Q इज इक्वल टू दिस। अब इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, कन्वर्टिंग इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 7/2 रेशियो 2 × 11/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो रेशियो आके आ गया 7:11। अब उसके बाद देखिए ये तो सबसे पहले तो हमने यहां तक ही क्वेश्चन पढ़ा और सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, उसके आगे देखिए इफ पी गेट्स 180 लेस देन क्यू देन क्यू शेयर इज, अब यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं इस रेशियो के अंदर पी का शेयर क्या है 7, क्यू का शेयर क्या है 11, अगर रेशियो की बात करें ठीक है, तो अगर अपने बात करें डिफरेंस ऑफ द रेशियोज, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बना देखिए P gets 180 less than Q, तो यहां पर P कितना कम ले रहा है, सो डिफरेंस लेट दिए क्या हो जाएगा 7x ratio 11x, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ P शेयर एंड Q शेयर, तो यहां पर देखिए 11x - 7x इट मींस 4x, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है 4x इज इक्वल टू 180, 4x की वैल्यू यहां पर हमको क्या गिवन है 180, देन x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 4, तो 4 जा क्या होता है आपके पास 16, माइनस करने पर आया 2 ऊपर से 0 एंड 5 जा आपके पास क्या होता है 45, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना है, देन q शेयर, आपको q का शेयर फाइंड करना है, सो
शेयर इज इक्वल टू 11x, ठीक है, यहां पर हमें पता है 11x है, तो 11x, तो x की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, 11 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 11 से 45 495 रुपीज 495 इज द क्यू शेयर. दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. सबसे पहले तो हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, उसके बाद में इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और हमने फाइंड किया डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन जो डिफरेंस था उसके हमने इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू फाइंड की और एक्स 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 495 आ गया. तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6. इन अ फ्रूट शॉप द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू द एप्पल्स इज 2:5. तो रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू द एप्पल्स इज 2:5. If there are 60 apples, then the number of oranges are, ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, 2x:5x. तो according to the question, 5x मतलब apple की जो value है 5x is equal to कितनी है 60. Then x is equal to 60/5, यहां पर आपके पास आ गया 12. And what you have to find? Number of oranges. So, number of oranges is equal to 2x. It means 2 into 12, 24. So, option C is your correct answer for question number 6, students. Next, dekhiye students, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, इसी के नीचे होगा, माइट बी यही है. देखिए क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है. तो फोर्थ प्रोपोर्शन देखिए क्या होता है, 1/2 प्रोपोर्शन, 3.9 प्रोपोर्शन, और इसे हमने क्या मान लिया एक्स. तो अब हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ means is equal to product of extremes. तो यहां पर देखिए 1 means क्या है, यहां पर 3.9 multiply by 2 is equal to 1.2 multiply by x. तो यहां पर देखिए 1.2 डिवाइड में आ जाएगा 3.9 multiply by 2 डिवाइड बाय 1.2. तो यहां से देखिए डेसिमल से डेसिमल कट कर देंगे, उसके बाद 2 1 2 6 जा आपके पास क्या होता है 12, और आपके पास क्या करना है 39 में डिवाइड करना है 6 से, तो 6 जा होता है आपके पास 36. माइनस करने पर आप देखिए 6 आते ही आपका आंसर तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 वाली और कोई भी डिजिट नहीं है, और इसको कंफर्म करने के लिए आप इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं. तो माइनस करने वाले यहां पर आपके पास आया 3, डेसिमल लगाया 0, 6 5 जा क्या होता है 30. सो एक्स इज इक्वल टू 6.5 इज योर आंसर. दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8. ऑफ 132 एग्जामीज ऑफ ए सर्टेन स्कूल, देखिए टोटल एग्जाम देने वाले कितने हैं, 132, ठीक है, तो अपने पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ एग्जामिनेस इज इक्वल टू 132. द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल रेशियो इज 9:2, ठीक है, 9:2 मतलब 9x:2x. इफ 4 मोर, अभी अपने सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो टोटल अगर अपने बात करें, टोटल क्या हो जाएगा रेशियो, टोटल रेशियो इज इक्वल टू 9x+2x, इट मींस 11x, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है, 132. तो हम क्या करेंगे,
इसको इक्वेट कर लेंगे, 11x इज इक्वल टू 132, देन x इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाय 11, 11 वन जाए 11, 11 टू जाए 22, तो यहां से जो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 22, तो यहां पर हम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल फाइंड कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल क्या है 9x है, मतलब 9 इंटू 11 इट मी सॉरी 9 इंटू 12, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहां पर 12 आई है, 9 इंटू 12 इट मीन्स 108, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 12 का टेबल आपको आता है। उसके बाद देखिए अनसक्सेसफुल का रेशियो फाइंड करते हैं, तो यहां पर अनसक्सेसफुल नंबर क्या है आपके पास 2x, मतलब 2 इंटू 12 इट मीन्स 24। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ फोर मोर स्टूडेंट्स पास्ड व्हाट वुड बी इन द रेशियो टू सक्सेसफुल टू द अनसक्सेसफुल। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि इसमें से फोर जो है वो और पास हो गए, इट मींस यहां से तो फोर माइनस होंगे और यहां पर फोर प्लस होंगे। आफ्टर पासिंग फोर मोर स्टूडेंट्स सक्सेसफुल इज इक्वल टू 108 प्लस 4 इट मीन्स 112 एंड अनसक्सेसफुल विल बी 24 माइनस 4 इट मीन्स 20। तो अब आपको रेशियो बताना है सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल पे, तो 112 डिवाइड बाय 20, 2 के टेबल से कट करते हैं, देखिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, अगेन 2 के टेबल से करते हैं 2 2 जा 4, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 6 16, 8 जा आपके पास होता है 16, उसके बाद 2 5 जा 10। इसके आगे देखिए फर्दर दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो किसी एक टेबल से कट नहीं हो सकते, सो सक्सेसफुल रेशियो अनसक्सेसफुल would be 28:5 is your answer for question number 8 students। तो इसी के साथ जो है आपका question number 8 भी हो गया है। तो यहां पर देखिए क्या है, देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर गिवन थे, रेशियो गिवन था, रेशियो को इक्वेट कर दिया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, वहां से हमने सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का नंबर फाइंड कर लिया। फॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या थी, चार लोग और पास हो गए थे, तो जो पास होंगे वो सक्सेसफुल में ऐड होंगे, लेकिन अनसक्सेसफुल में से माइनस भी तो होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टोटल है वो तो उतने ही रहेंगे। तो यहां से हमने अगेन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का जो है नंबर फाइंड कर लिया ऐड होने के बाद में और सब्ट्रैक्ट होने के बाद में, उसके बाद हमने इसका रेशियो फाइंड कर लिया जो कि है आपके पास 28:5। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, आई होप अगर आप अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर इससे आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर फ्रीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ दिस इज डिवाइडेड इन टू द रेशियो दिस, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 117 को इस रेशियो में हमें करना था, लेकिन गलती से किस रेशियो में कर दिया, इसमें कर दिया, तो किसने सबसे ज्यादा गेन किया और कितना, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वन बाय टू, वन बाय थ्री एंड वन बाय फोर, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, एलसीएम से, तो एलसीएम यहां पर क्या है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इंटू वन बाय टू रेशियो 12 इंटू वन बाय थ्री रेशियो 12 इंटू वन बाय फोर, टू से गया 6 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स एंड 4 से 3 टाइम्स, तो फाइनली जो आपके पास रेशियो क्या निकल के आया, 6:4:3। तो अगर आप सिर्फ रेशियो देख के बताएं कि अब जो उनको पहले मिलना क्या चाहिए था, 6:4:3
4:3 मतलब ए रेशो बी रेशो सी को, लेकिन उन्हें मिला क्या, ए रेशो बी रेशो सी को, इन्हें मिला 2:3:4। तो आप देख के बता सकते हैं कि इसको भी कम मिल रहा है, इसको भी कम मिल रहा है, लेकिन सी को क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, देख के बता सकते हैं। ठीक है, हु गेन द मोस्ट, सी गेन द मोस्ट। उसके बाद में कितना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मुझे सबको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं सी का फाइंड करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया सी गेन द मोस्ट अमाउंट। अब कितनी, बाय हाउ मच, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6x+4x+3x। ऐड क्यों किया, टोटल फाइंड करने के लिए। तो 4+6 ये हो गया आपके पास 10+3 13x। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 117। तो यहां से देखिए 13 जाएगा डिवाइड में, 117 डिवाइड बाय 13। तो देखिए डिवाइड करेंगे, अगर आपको 13 का टेबल आता होगा तो एक्स इज इक्वल टू 9, आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं शेयर कितना है, 3x, 3 × 9 इट मीन्स 27। और नेक्स्ट नए वाले की अगर बात करें, न्यू रेशियो बाय मिस्टेकन रेशियो, वो क्या है आपके पास, 2x+3x+4x, इट मीन्स 3+4 7+9x इज इक्वल टू 117। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 117 डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9, माइनस करने पर आया 2, ऊपर से 7 27, 3 27। और यहां पर अगर अपने बात करें इसी शेयर, ये आपके पास आएगा 4 × 13, 4 × 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 4 × 3 12 कैरी 1, 4 1 4, 4 1 4 प्लस सॉरी 4 3 12 कैरी 1, 4 1 4 प्लस 1 52। ठीक है, अब बाय हाउ मच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। सो डिफरेंस इज इक्वल टू 52 − 27। तो माइनस करने पर देखिए 3 ऐड करने पर 30 22 एंड 25। सो 25 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो आंसर आ गए, वन इज सी एंड सेकेंड इज 25। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्वेश्चन कोई भी समझने में परेशानी हो रही है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से बैक करके वीडियो को देखिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर असेसमेंट जो है चैप्टर 8, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके चैप्टर 8 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, एक्सरसाइज 8A 8B 8C मेंटल मैथ्स ये आपने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, चैप्टर असेसमेंट भी आपका जो है कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं रह जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। तो यहां पर देखिए क्या है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ द थ्री स्क्वायर ऑफ द थ्री नंबर्स विच विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 इज 725। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको क्या बोल रहा है, द नंबर्स मतलब लेट द नंबर्स आर ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:3:4। ठीक है, मतलब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक्स में लिख लेते हैं, 2x/3x/4x। हमने क्या मान लिया, ये नंबर थे। अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है, इनके जो स्क्वायर है मतलब इन रेशियो के जो स्क्वायर है इनका सम क्या है, 725। इट मींस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए
थ्री एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x2 एंड c का स्क्वायर की बात करेंगे 4x का स्क्वायर इट मीन 16x2। सो अब इनका जो सम है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9x2 प्लस 16x2 इज इक्वल टू 725। तो इन्हें हम इनका सम कर देते हैं। देखिए 4 प्लस 9 13 प्लस 16 ये आपके पास हो गया 29। तो 29x2 इज इक्वल टू 725 और यहां से देखिए 29 मल्टीप्लाई का उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 725 डिवाइड बाय 29। डिवाइड कर देते हैं, देखिए 725 डिवाइड बाय 29, 29 इंटू देखिए 29 का टेबल नहीं आता तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 ट्रायल कर लेते हैं। 29 इंटू 3, 3 इंटू 9 27 कैरी 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 67 सॉरी 3 इंटू 2 6 प्लस 2 87 विच इज मोर देन 72, मतलब हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2 से, तो ये आपका हो गया 2 और ये आप पे आ गया आपका 58। ठीक है, माइनस करते हैं, देखिए माइनस करने पर आया 2 करने पर 60 14 145। तो 5 है तो सिंपली मैं 29 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 5 इंटू 9 45 कैरी 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14, तो 145 माइनस करने पर आपके पास आ गया 0। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया 25। तो यहां से देखिए जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 25। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर से बाहर निकलेगा x और आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 5 का। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 और आपको फाइंड क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में व्हाट आर द नंबर्स, आपको नंबर्स बताने हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो देन ए इज इक्वल टू द फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल टू क्या है, देखिए 2x 3x एंड 4x है, देखिए 2x 3x एंड 4x, तो ए आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10, बी विल बी 3 इंटू 5 15 एंड सी विल बी 4 इंटू 5 इट मीन्स 20। तो यहां पर आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स क्या आ गया 10 15 एंड 20, दीज आर द नंबर्स, दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका क्या होट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज जो चैप्टर असेसमेंट है 8 का खत्म हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।